में चोरी रोकने के लिए पुलिस की बढ़ाई जाएगी गश्त, 5 वर्ष पुराने चोरों का किया जाएगा सत्यापन। एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कांग्रेसियों ने विपक्ष के 146 सांसदों को संसद से निलंबन पर जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। देश के राष्ट्रपति से सभी सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग। प्रदेश कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र के तत्वावधान में एक निजी लॉन में क्षेत्रीय गोष्ठी का किया गया आयोजन, कर्मचारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योजना के तहत 590 व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 416 नागरिकों को दिया गया लाभ, सीडीओ संजय कुमार मीना ने दी जानकारी। टिकरीगंज थाना क्षेत्र के उधना पार के पास डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी स्कूल बस। हादसे में एक छात्र और छात्रा की हुई मौत, 8 बच्चे हुए घायल, घायलों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है उपचार। गर्ल ने 8 मिनट में उड़ा दी फॉर्चूनर, सीसीटीवी में कैद हुई लेडी गैंग की वारदात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर शहर के गोलघर को ट्रैफिक मुक्त रखने के लिए कचहरी चौराहे से काली मंदिर तक ऑटो व ई रिक्शा को किया गया प्रतिबंधित। नियमों की अनदेखी करने वाले ई रिक्शा व ऑटो चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत की जाएगी कार्रवाई। गोरखपुर के एम्स थाने की पुलिस टीम ने देवरिया के जालसाज को किया गिरफ्तार। सांसद कमलेश पासवान का फर्जी लेटर पैड किया था इस्तेमाल, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।